हेलो गाइस, स्वागत है यार वापस से एक और नई वीडियो के अंदर। हमने यार पहले थोड़े दिन पहले हमने एक अपडेट वाली वीडियो डाली थी, आफ्टर अपडेट वाली। उसके अंदर भाई मुझे पहले से 1 महीने हो चुका है, मुझे भाई 1 महीने से कुछ ज़्यादा टाइम हो चुका है, 10 दिन शायद ज़्यादा हो चुके हैं। तो भाई मैंने इस वीडियो के अंदर थोड़े बहुत और चीज़ें ऐड करी है इस बार, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में भाई परफॉर्मेंस मोड और दिखाना भूल गया था, और साथ ही साथ मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऐड नहीं करी थी। तो भाई इस बार मैं दोनों की दोनों चीज़ें इसी वीडियो के अंदर ऐड कर रहा हूँ। जो भाई जिसने नहीं देखी थी वो देख लो, भाई जिसने देख रखी थी तो भाई वापस से देख लो, या तो फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला पार्ट देख लेना। अगर आपको देखना है अभी भी 1 महीने के बाद, मैं तो बोलूंगा भाई पूरा ही देख लो, आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा भाई अपडेट के बाद भी कैसे चल रहा है, और स्क्रीन रिकॉर्ड के बाद भी कैसे चलेगा, और 1 महीने बाद मेरे को कैसा परफॉर्मेंस देखने में मिली। तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, जैसे आप मेरे से पूछेंगे भाई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो भाई मैं अभी यही बोलूंगा कि मेरे को भी कोई दिक्कत देखने नहीं मिली। जैसे आप नॉर्मल यूज़ भाई आप कर रहे हो, अब गेमिंग के समय यूज़ कर रहे हो, तो भाई अभी मुझे कोई दिक्कत देखने नहीं मिल रही है। 1 महीना हो चुका है भाई, ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल स्लो डाउन हो गया फोन, फोन में भाई कोई दिक्कत नहीं आई है, पहले ऐसे स्मूथ चल रहा है। 144 हर्ट्ज़ भाई आपको ना बिल्कुल महसूस होता है भाई जब आप यूज़ करते हैं फोन को, तो भाई काफ़ी अच्छा देखने में मिल जा रहा है अभी तो फोन चलने के लिए। और साथ साथ यार काफ़ी सारे लोग स्क्रीन के आ रहे हैं, बोलते हैं कि भाई स्क्रीन के अंदर काफ़ी भाई के कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो भाई थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं काफ़ी ज़्यादा कंटेंट यूज़ करता हूँ तो भाई कंज्यूम करता तो भाई मुझे कोई दिक्कत देखने नहीं मिलती भाई। अगर नॉर्मल स्क्रीन से कंपेयर करेंगे ना काफ़ी अच्छी है, बस थोड़ी यार एमोलेड थोड़ी सी कम होती है, मगर काफ़ी अच्छी, ऐसा नहीं है भाई बिल्कुल ही कलरलेस आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है इसके अंदर भी। तो भाई मैं बस बता रहा था काफ़ी सारे लोग भाई ये सोच के चल रहे हैं। और साथ साथ मैं तीसरी चीज़ बताऊँ तो सबसे पहले भाई ये चीज़ कन्फर्म कर देता हूँ भाई, इसके अंदर आपको टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ भाई जायरो की बात करो जायरो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो भाई ज़्यादा सोचना मत कर टच रिस्पॉन्स में हमें कोई दिक्कत देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, हीट हो जाता है भाई जब भी टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई बेकार सा क्या कभी कभार टच रिस्पॉन्स करना बंद करते भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 60 FPS भी खेलेंगे आपको 60 FPS में भी ऐसे ही देखने को मिलेगा सेम। तो भाई अभी ये नॉर्मल है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ ही 90 FPS आप जो अभी देख रहे हैं, अभी 60 FPS भी आपको दिखाऊंगा, 60 FPS में कैसे देखने मेरे को मिला। तो भाई ये तो रिव्यू वीडियो तो मैं आपको सारी सारी चीज़ें बताता जाता हूँ। भाई जब मैं 90 FPS खेलता हूँ, मैं 90 FPS एक्सपीरियंस की बात करूँ, 90 FPS में कैसा एक्सपीरियंस होता है। जब मैं TDM की बात करूँ, मैं TDM की बात करूँगा तो 85 से आपको ज़्यादा FPS देखने मिलेगा हर समय पे। जब आपका फोन हीट हो जाएगा तब भी भाई 82 से ज़्यादा रखेगा ये, तो भाई TDM के लिए काफ़ी अच्छा आपको 90 FPS देखने मिल जाता है। क्लासिक के अंदर भी ऐसा नहीं है बेकार मिलता है, क्लासिक के अंदर जब बाद में बात करेंगे जब हम क्लासिक के पहुंचेंगे। और 60 FPS की बात करूँ, 60 FPS आपको कॉन्स्टेंट देखने मिल जाता है, जब नॉर्मल खेलेंगे 58 से लेकर 60 तक लेके चली जाए, आप 1 घंटे खेल लिए या 2 घंटे जो खेल ले भाई कोई दिक्कत नहीं है, 58 से लेकर 60 तक ही देखने मिलेगा। और भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ आ चुके हैं, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको 90 FPS आपको जब आप खेलेंगे तो आपको भाई कम से कम यार 84 से ज़्यादा FPS देखने मिल जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के। भाई ऐसे नहीं बोल रहा कि शुरुआत में जब आप खेलेंगे तो आपको आराम से 88 से लेकर 90 तक, 87 से लेकर 90 तक देखने मिलेगा, मतलब आपको जब थोड़ा टाइम हो जाएगा तो भाई ये लेके चलना कि 84 से लेके कुछ 90 तक देखने मिलेगा, और ज़्यादा देर हो जाएगी तो भाई कुछ 80 से लेकर 90 तक ही लेके चलना। 7 की लाइन में नहीं आता भाई अगर हीट हो जाएगा तो, जब आता जब वैसे नॉर्मली नहीं आता भाई TDM की तरफ तो नहीं आएगा आपको, जैसे क्लासिक के अंदर आ सकता है, TDM के अंदर आपको देखने नहीं मिलेगा। वहीं बात करूँ भाई 60 FPS में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ, भाई 60 FPS में आपको बोलूँगा भाई मैथ ही खेलिए भाई TDM को 60 FPS में, भाई 60 FPS से 58-57 तक जाता है कभी कभार स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ, तो भाई आपको सीधा बोलूँगा 90 खेल लीजिए भाई, 90 में काफ़ी अच्छा FPS देखने मिल जाता है, 60 पे जाना ही क्यों है, तो आपको भाई पूरे 90 FPS देखने में मिल जा रहे हैं अच्छे खासे। तो भाई आपकी मर्जी, आप जा सकते हैं 60 पे, मैं आपको 90 पे खेलने के बोलूँगा TDM को। तो चलो यार परफॉर्मेंस की बात तो खत्म हो गया, अब भाई ना जायरो की बात कर लेता हूँ, सेंसिटिविटी की बात कर लेता हूँ, टच रिस्पॉन्स की बात करता हूँ भाई क्या है इन सारी चीज़ों का। भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग याद खेलेंगे, बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग याद खेलेंगे भाई जायरो सेम देखने मिलेगा। काफ़ी सारे लोगों के भाई छोटे दिमाग के अंदर कुछ होता है कि भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो गायरो थोड़ा वो डिले हो जाएगा, और बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के काफ़ी अच्छा चलेगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में सेम चलता है भाई, गायरो सेंसर है यार भाई, वो नहीं है कि वर्चुअल गायरो नहीं है भाई, ऐसा कुछ डिफरेंस देखने मिलेगा। तो साथ ही साथ बात करूँ भाई टच की, तो भाई टच में काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत आती है भाई, मैं बस ये बोलूँगा भाई वो गर्मी की वजह से आपको पसीना तो लग जाता होगा ना स्क्रीन पर, उसकी वजह से आती है, और ना अगर आप स्लीव्स के साथ खेल सकते हैं तो स्लीव्स के साथ खेल लीजिए भाई, सस्ती सी मिलती है, 300-400 रुपये की आ जाएगी, या तो 200 रुपये की भी आती है, आप उससे भी खेल सकते हैं। काफ़ी सारे लोग भाई ऐसा भी है कि काफ़ी सारे लोग जो एंड्रॉइड से आईफोन ऐसे जो फोन इधर उधर ट्रांसफर करते हैं तो भाई उनके ना हाथ में जैसे अभी टच से प्रॉब्लम हो रही है कि भाई जो फायर वाला बटन है ना दुबता नहीं है, क्योंकि भाई जो 4 फिंगर होते हैं उनके भाई काफ़ी सारी काफ़ी लोगों की दिक्कत आ रही है भाई, मेरे साथ भी हुई थी। मगर भाई फोन का डिफरेंस है कुछ, जो आपका पुराना वाला फोन हो गया तो छोटा होगा या तो थोड़ा बड़ा होगा, इस वाले से इसके से भाई ये प्रॉब्लम देखने मिल जाती है। थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करेंगे भाई 3 या 4 दिन आपको बिल्कुल प्रॉपरली वर्क हो जाएगा, तो भाई इसी चिंता मत लीजिए कि भाई टच रिस्पॉन्स है, वो मेरे को पता है यार काफ़ी बार होता है, फायर वाले बटन पर चीज़ें दबा के भी रखते जब भी दब नहीं रही होती, तो भाई ऐसा होता है थोड़े दिन ट्रेनिंग करेंगे तो सही हो जाएगा अपने आप। तो भाई क्लासिक की बात करूँ तो भाई जब आप इवेंट वाला जो भी चल रहा है क्लासिक को देखेंगे भाई ऐसा नहीं है, वो भाई आपकी रैंक पर भी जो है आपकी लीग होती है उस पर भी डिपेंड करता है। भाई नॉर्मली जैसे बात करूँ आप क्राउन की या फिर एस की लॉग पर खेलेंगे तो भाई आप ना ये लेके चलना कि आपको 79 से लेकर 85 FPS तक देखने को मिलेंगे, जब इवेंट पे कूदेंगे तो भाई इतना ही देखने को मिलेगा, 78 तक जा सकते हैं, ऐसे कम नहीं जाएंगे, 75 से कम नहीं जाएंगे देखने को मिलेगा आपको, जब शुरुआत शुरुआत में खेलेंगे जब आपको थोड़ा टाइम हो जाएगा उसका भी 70 से लेके भाई 75 से 80 तक आपको देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छे भाई FPS मेंटेन करता है 90 FPS से, भाई वो दिखावे का नहीं है
कि भाई 90 FPS हमने दिया हुआ है, इसके अंदर काफी अच्छे मेंटेन भी करता है 90 FPS। जैसे आप भाई अभी देख सकते हैं, मैं ना अभी मैं इसके अंदर भाई जब मैंने खेला था, मैं डायमंड की लॉबी में था, तो भाई मेरे को इतना ज्यादा अपना ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिल रहा था, पर जब भाई मैंने दूसरी आईडी से खेला तो आपको थोड़ा ज्यादा ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। मैं इतना भी कम नहीं होगा कि भाई बिल्कुल ही लैग पैक देखने मिलेगा, लैग पैक देखने नहीं मिलेगा 90 FPS पे भी, 60 FPS पे भी। और आप देख सकते हैं अभी गेम प्ले भाई आपको खुद पता चल जाएगा। तो चलो यार मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ लेके चलता हूं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अब क्या हाल होता है क्लास के अंदर, क्लास के अंदर आप देख सकते हैं भाई मेरे को एक महीने से ज्यादा हो गया, एक महीना 10 दिन हो गए कम से कम जब मैंने अभी ये रिकॉर्डिंग बनाई, क्योंकि भाई मैंने बताया था आपको शुरुआत के अंदर क्या क्या मैंने करने वाला वीडियो के अंदर, तो भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो भाई इसके अंदर ना अभी भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिलेगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी, मगर भाई यार ये है कि थोड़ा बहुत जब हीट हो जाता है ना तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में काफी दिक्कत देता है, क्योंकि भाई नॉर्मल गेम प्ले करेंगे तो उसके अंदर ये होता है सब कुछ, मगर यार जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग खेलेंगे जब हीट हो जाता है क्लासिक के अंदर तो आपको दिक्कत देखने लग जाता है भाई। काफी बार तो ये होता है फिर 60 की लाइन में पहुंचा था, 60 की लाइन में 70 तक ही जाता रहता है, उसके आगे बढ़ता ही, तो भाई काफी बार दिक्कत आ जाती है। तो आपको बोलूंगा भाई जब आपके घर में फैन वैन होगा ना भाई उसको नॉर्मल यूज करिए भाई, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। फैन या फिर कुछ और एसी वैसी है तो भाई और ज्यादा बढ़िया, आपको बिल्कुल मेंटेन रहेगा। बैटरी ड्रेन की बात करूँ तो भाई बैटरी ड्रेन का भी काफी अच्छा बैकअप मिल जाता है भाई, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया बैटरी में, मगर आपको भाई काफी अच्छा बैकअप देखने मिलेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी। कम से कम यार 3.5 घंटे का तो होगा यार, मैंने कुछ यार पूरा खत्म करके नहीं देखा भाई, एक बार मेरा जब से नया फोन आया भाई जब से मैंने एक बार पूरी बैटरी को जीरो तो करके नहीं देखा, मेरे भाई हमेशा बैटरी रह जाती है 18 या 17, और काफी जल्दी भाई बैटरी चार्ज हो जाती है, ऐसा नहीं है बहुत धीरे धीरे होती है, काफी जल्दी चार्जिंग भी हो जाएगी, और काफी ज्यादा आपको एमएच की बैटरी दिखने लगती है, तो काफी आपका भाई जो बैटरी की लाइफ होगी ना काफी अच्छी चल जाएगी। तो यहाँ पे भाई आप 60 FPS देख लीजिए, 60 FPS से कैसी गेमिंग देखने मिलती है भाई, 60 FPS में कोई दिक्कत नहीं आती, मगर मैं पर्सनली भाई रिकमेंड करूँगा आप नॉर्मल गेम प्ले कर रहे हैं तो भाई अपना 90 FPS में खेलिए, मगर आप कॉम्पिटेटिव खेल रहे हैं तो भाई 60 FPS में खेलिए। मैं पर्सनली बता रहा हूँ भाई दिवाली आने वाली है, दिवाली का भाई थोड़ा वेट कर लो, दिवाली में क्या पता आपको 20,000 या 19,000 तक का फोन देखने मिल जाए तो आपके लिए और बढ़िया चीज़ हो जाएगी। और साथ ही साथ भाई बता दूँ कि भाई एक लौता फोन ही है भाई, अगर आप सोच रहे हो कि कोई और फोन मेरे को 20,000 के अंदर भाई कॉम्पिटेटिव खिलवा देगा, एक बंदा पूछ रहा था भाई कमेंट सेक्शन में, भाई मैंने सीधे सीधे रिप्लाई कर दिया था भाई सपने मत देखो यार, 20,000 का भाई कोई ऐसा फोन नहीं था वो कॉम्पिटेटिव खिला सकता, मगर भाई ये फोन के अंदर आप खेल सकते हैं, मैं लैग तो होगा मगर भाई इतना भी ज़्यादा नहीं होगा जो भाई 20,000 के फोन के अंदर देखने मिलता है, स्क्रीन रिकॉर्ड के भी खेल सकते हैं। तो भाई यही बोलना चाहता हूँ भाई, थोड़ा वेट कर लो भाई, आप दिवाली तक का वेट कर सकते हो भाई, आपके लिए क्या पता है भाई IQ Neo 6 भी सस्ते हो जाए तो भाई ये भी सस्ता हो जाए, तो भाई कब जो आपकी मर्जी है भाई, दोनों में से कोई सा भी ले सकते, ये नहीं बोलना भाई बेकार है दोनों में से कोई भी, दोनों के दोनों बढ़िया है, बस इसके अंदर भाई थोड़ा कैमरे की दिक्कत देखने मिल जाती है और सब कुछ भाई परफेक्ट है इसके अंदर, बस ये है यार न्यू 6 के अंदर आपको थोड़ी कंसिस्टेंट गेमिंग देखने मिल जाएगी भाई लॉन्ग टर्म के लिए, मगर भाई ये भी होता है कि यार जो दिवाली में भी जो डिस्काउंट आते हैं ना भाई वो कार्ड पे ही लगते हैं, नॉर्मली डिस्काउंट भी आते हैं मगर कार्ड पे भाई ज़्यादा होते हैं, तो भाई ना जैसे नॉर्मल बंदा होता है तो भाई जो 20,000 का फोन लेना होता है तो उसको भाई रेडमी गिफ्ट जैसे मिल रहा है भाई 21,000 में, तो बंदा ट्राई करता है कि हाँ भाई 1,000 रुपये लगा देता हूँ वो थोड़ा अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि भाई हमारे से लोगों पास सच बताऊँ ना मेरे पास तो भाई एक भी कार्ड नहीं है जैसे कोई भी कार्ड हो, तो भाई मुझे तो कभी ऑफर मिलता नहीं, मैं नया फोन भी है तो भाई जब भी मुझे ऑफर नहीं मिलता, जो नॉर्मल भाई जब नए नए फोन लॉन्च होते तो कुछ भाई 1500 का डिस्काउंट देते, तो कूपन वाला होता भाई वो यूज़ कर पाता, बैंक अकाउंट वाले जो होते हैं भाई बैंक ऑफर वाले होते कभी भी यूज़ नहीं करें, कहीं से जुगाड़ उगाड़ कर सकते भाई कर लो, वरना भाई 20,000 की रेंज में अगर आप सोच रहे हो भाई लेने की तो भाई यही मिलेगा एक फोन 21,000 का, तो थोड़ा आपको अच्छा खासा देख मिल जाएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी अच्छा खासा दिखा देखो भाई 90 FPS भी देखने मिल जाएगा। तो चलो यार यही था आज का रिव्यू भाई, काफी ज्यादा मजा आया भाई इस रिव्यू को बनाने, और भाई आशा करता हूँ यार आपका भी रेडमी गिफ्ट आए तो भाई आपको जहर परफॉर्मेंस देखने मिले, और भाई आप काफी तगड़े तगड़े भाई कॉम्पिटेटिव खेला आराम से मजे उठा, रिव्यू पसंद आया तो भाई सब्सक्राइब कर देना भाई, काफी देर से बोल रहा हूँ यार मैं तो यार, रिव्यू पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब देना।